हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग ऑटो करेक्शन को कैसे ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको ऑटो करेक्शन को बंद कर देना है, अगर आपके फ़ोन में जो है जो कीबोर्ड होता है गाइस उसमें आप लोग कुछ टाइप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जा रहा है, मतलब दूसरा टाइपिंग यहाँ पर हो जा रहा है गाइस। तो आपके साथ भी ये दिक्कत होता होगा गाइस कभी कभी कि जो आप लोग टाइप कर रहे हो जो टाइप कर रहे हो वो नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। स्पेस पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट होकर कुछ दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ आ जा रहा है। आपके फ़ोन में भी ये ज़रूर से होता होगा गाइस, तो इसको बोलते हैं ऑटो करेक्शन। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में ऑटो करेक्शन को बंद कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो करेक्शन को ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के जो है कीबोर्ड को ओपन करना है। किसी भी सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड आने के बाद कीबोर्ड में आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, देख सकती है रहा, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गाइस प्रेडिक्टिव टेक्स्ट का। सबसे पहले तो आपको इस प्रेडिक्टिव टेक्स्ट के ऑप्शन को ऑफ करना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मोर टाइपिंग ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं, तो इस मोर टाइपिंग ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए ऑटो कैपिटलाइज का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑफ करना है। उसके बाद डबल टैप स्पेस बार टू ऐड फुल स्टॉप कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको ऑफ करना है। मतलब यहाँ पर जितने भी जो ये स्मार्ट टाइपिंग का ऑप्शन होगा गाइस, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ऑन है इन सबको ऑफ कर दीजिए तो आपका ऑटो करेक्शन बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग ऑटो करेक्शन को ऑफ कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।